नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना आधा जीवन पर्यावरण के नाम समर्पित किया है। उन्होंने न केवल पौधों को लगाया है बल्कि उन्हें बड़ा होने तक उनकी सेवा भी की है। मैं इस समय खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में। BSP की ये जगह है, BSP यानी भिलाई स्टील प्लांट। यहाँ ये जो नर्सरी दिख रही है, ये नर्सरी बालूराम जी ने लगाई है। बालूराम जी पिछले 30 सालों से पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हजारों पौधे अब तक लगाए हैं, न केवल लगाए हैं बल्कि उन्हें बड़ा किया है। अब उनके पास एक टीम भी है जो इन पौधों की देखभाल करती है, उन्हें पानी देती है और बड़ा होने तक उनकी सुरक्षा करती है। मिलते हैं बालूराम जी से। ये हैं बालूराम वर्मा। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में रहने वाले बालूराम का पर्यावरण से प्रेम करीब 40 साल पुराना है। इन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से लेकर रिटायरमेंट तक हर महीने करीब 10% हिस्सा पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें बड़ा करने के लिए खर्च किया है। अब शहर के हर सेक्टर में इनके लगे पौधे लहरा रहे हैं। शहर की इन जगहों में स्कूल के कैंपस, पुलिस थाने, खेल के मैदान, सड़क के किनारे शामिल हैं। लाइव हिंदुस्तान ने भिलाई जाकर देखा कि शहर के लगभग हर सेक्टर में इनके द्वारा रोपित पौधे पेड़ बन गए हैं। हाँ नमस्कार सर, ये बालूराम जी का दावा है कि आपके थाने कैंपस में ये कई दिनों से पौधे लगाए हुए हैं, इसकी देखरेख इन्होंने की है। हाँ ये सही बात है, हमारे थाना परिसर में जो पेड़ पौधा लगा हुआ है ना, तो बालूराम वर्मा जी आके बीच बीच में देख भाल करते हैं। अच्छा, और अच्छा मतलब उसका वो कर रहे हैं आके। कितने साल हो गए हैं? करीबन मेरे को तो यहाँ मेरे को 3 साल हो गए हैं, तो उस बीच में मैं लगातार कंटिन्यू देख रहा हूँ। अच्छा। बालूराम जी की BCOM करने के बाद 1983 में BSP यानी भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगी। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर नौकरी के साथ पर्यावरण के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। उन दिनों शहर की हवा में काफी प्रदूषण था। बालूराम को समझ आया कि प्रदूषण को पेड़ पौधों के जरिए ही कम किया जा सकता है। नेचर के प्रति लगाव की सोच के चलते 1983 से लेकर 1991 तक बालूराम ने हर महीने वेतन का 10% जोड़ा। उन दिनों 1000 रुपए वेतन थी तो हर महीने सिर्फ 100 रुपए जोड़ते। अगले 8 साल तक करीब 1,00,000 रुपए जोड़कर शहर को हरा भरा बनाने के लिए काम में जुट गए। शुरुआत में घरों से कचरा जोड़ने की मुहिम शुरू की, बाद में ये पेड़ लगाने और हरा भरा भिलाई बनाने में बदल गई। अगले कुछ साल तक बालूराम ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि उन्हें पानी देकर देखरेख भी की। इस दौरान उन्हें कई बार हताशा भी हुई, परिवार में विवाद भी हुए, पौधे भी सूखे, लोग ट्री गार्ड उखाड़ कर ले गए, मवेशी फलदार पौधे खा गए, कई बार साइट पर गर्मियों में आग लग गई जिससे पौधे झुलस कर मर गए। मैं संजीत कुमार सेन, एक्स नेवी हूँ। नेवी में मैं 18 साल सर्विस किया। नेवी में तो क्या एक्सरसाइज हमेशा होता रहता है, PT परेड ये सब होता रहता है। नेवी से रिटायर्ड होने के बाद मैं भिलाई स्टील प्लांट में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बालूराम वर्मा जी का पर्यावरण ग्रुप से मुलाकात हुआ, तो मेरा जॉब ऐसे बैठे बैठे था, कंप्यूटर में जॉब था, एक्सरसाइज होता नहीं था। मैं फिर धीरे धीरे वर्मा जी से मिला, पर्यावरण मित्र मंडल से मिला, ये लोगों का काम देखा, तो मैं बोला चलो मैं भी थोड़ा इनके साथ एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज का मोटो लेके मैं कहीं गड्ढा खोदना, कहीं पानी देना, तो अपना एक्सरसाइज का मोटो लेके मैं ज्वाइन कर लिया इनके साथ। और फिर धीरे धीरे फिर मेरे को ज्ञान आया कि हाँ पर्यावरण को भी बचाना है, तो मेरा साथ में एक्सरसाइज भी होता रहेगा, पर्यावरण को भी बचाएंगे, तो इनके साथ जुड़ के मेरे को करीब 4 साल के आसपास हो गया है। हालांकि बालूराम ने अपनी मेहनत जारी रखी। बालूराम ने अपनी मेहनत से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगाए गए पौधों को भी पानी दिया ताकि पौधे जिंदा रहे। लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने बालूराम ने दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों को मुफ्त में पौधे बांटे, उनकी दुकानों के सामने पौधे रोपे और उन्हें पानी डालने की जिम्मेवारी दी। दुकान के सामने का पौधा भी जिंदा रह गया। पौधों की कमी और वक्त पर लगाने और बांटने की समस्या का समाधान भी बालूराम ने खुद निकाला। BSP के अधिकारियों से मिलकर थोड़ी सी जमीन पर एक नर्सरी लगाई। इसमें कई तरह के पौधे हैं जो शहर में लगाने के लिए भेजे जाते हैं। बालूराम की मेहनत को देखते हुए BSP ने उन्हें एक ई-रिक्शा मुहैया कराया जिससे वे पौधों को पानी देते हैं। बीते कुछ साल पहले बालूराम ने
पर्यावरण मित्र मंडल नाम की संस्था बना ली है, जिससे अब लोग जुड़ रहे हैं। तो ये नर्सरी थी बालूराम जी की और ये शहर भी बालूराम जी का। इस शहर में हजारों पौधे बालूराम जी खड़े कर चुके हैं, ना केवल खड़े कर चुके बल्कि उन्हें जीवन देकर बड़ा कर चुके हैं। ये पर्यावरण मित्र मंडल के साथ मिलकर काम करते हैं। इस संगठन का मुख्य मकसद लोगों को सांसें देना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य उन्हें मिला स्वामी विवेकानंद की एक किताब से। किताब को देखकर उन्हें लगा कि जीवन को कुछ मोटिव बनाना चाहिए और ये मोटिव उन्होंने पर्यावरण के लिए दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम उनकी कहानी आप तक लेकर आए। आपने देखा लाइव हिंदुस्तान के लिए मैं विनेश दीक्षित भिलाई से।